दोस्तों जरा दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप खुश कम और हैरान ज्यादा होगी। लेकिन एक वादा ये है कि आपको इस वीडियो में मजा बहुत आएगा, इसीलिए ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए इस कमाल दमाल और बवाल एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। और नंबर 5 वाली एक्सपेरिमेंट है अ लॉट ऑफ अनार वर्सेस लोग। दोस्तों तब क्या होगा यदि हम ढेर सारे अनार के बीचों बीच ताले को रख दे? तो ऐसा करने से क्या होगा, क्या ताला खुल जाएगा? चलिए देखते इस बवाल एक्सपेरिमेंट को। इसके लिए सबसे पहले ढेर सारे अनार को एक टायर में इस प्रकार से अटैच किया जाता है और फिर उसके बीचों बीच ताले को रखा जाता है और तब अनार को जलाते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, क्या यह ताला खुल जाएगा? चलिए देखते हैं। आपने देखा ना भाई किस प्रकार से एक एक करके अनार जल गया और सारे हिट जाके ताले को लगा। लेकिन हैरान वाली बात यह है कि इतने हीट के कारण ये ताला पूरी तरह से मेल्ट हो गया लेकिन फिर भी नहीं खुला। मानना पड़ेगा भाई उस ताले की स्ट्रेंथ हो, इसकी स्ट्रेंथ के लिए एक लाइक तो बनता है। अब चलिए देखते हैं चौथी एक्सपेरिमेंट को, 360 डिग्री इन स्लो मोशन। गाइस स्लोमो वीडियो देखना किसे नहीं पसंद, सभी इसके दीवाने हैं क्योंकि ये स्लोमो वीडियो बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही था कि ये बॉल जब रैकेट पर पड़ती है तब कितना आवेश हम लोग को देता है। लेकिन आपको आज की इस वीडियो में आपको ऐसी एक स्लोमो वीडियो दिखाएंगे जो आपका दिल जीत लेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इसे 360 डिग्री वाला स्लो मोशन कहते हैं। और इस खूबसूरत एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले लिक्विड से भरे ग्लास को टेबल पर रखा जाता है और उसमें एक कैमरा लगाया जाता है जो 360 डिग्री रोटेट करती रहता है। और इस टेबल के ऊपर एक बॉल भी लटकाया जाता है और जब एक कैमरा फास्ट रोटेट करता है तब उसी समय ऊपर लटके बॉल नीचे गिरता है। और ऐसा करने के बाद कितना जबरदस्त व्यू बन रहा है आप देख सकते हो। और तीसरी एक्सपेरिमेंट है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस ओल्ड एंड न्यू जैक। भाई आप सभी जैक से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन जो नहीं जानते कि आखिर ये जैक होती क्या है, तब मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा मशीन होता है जो भारी से भारी वाहनों को उठाने में काम आता है। और हम इस वीडियो में ये पता करने वाले हैं कि नई और पुराने जैक में कौन ज्यादा पावरफुल होगी, कौन से जैक इस हाइड्रोलिक प्रेस के सामने टिक पाएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखें। अब चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले एक न्यू जैक को हाइड्रोलिक प्रेस के बीच रखा जाता है जो कुल 13,376 किलो का वजन झेल लेता है। और जब इससे ज्यादा वजन को दिया जाता है तब ये जैक काम करना ही बंद कर देता है। अब बारी है पुराने जेक की। अब चलिए पुराने जेक को हाइड्रोलिक प्रेस के पीछे रखते हैं और ऐसा करने से क्या हुआ दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे ये पुराने जेक करीब 20,527 किलो वजन को झेल लेता है और इसके बाद भी आज जेक मशीन प्रॉपरली वर्क कर रहा होता है। इसीलिए ना कहते हैं ऑल्ड इज गोल्ड। अब देखते हैं दूसरे नंबर वाले एक्सपेरिमेंट को, मेकिंग वोल्केनो इन रियल लाइफ। गाइस अभी कुछ देर में ही आप चौंकने वाले हैं क्योंकि आपको इस एक्सपेरिमेंट में आपको एक रियल वोल्केनो से मिलाने वाले हैं। और ये वोल्केनो आपके द्वारा बनाया गया स्कूल प्रोजेक्ट से बिल्कुल ही अलग है क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल वाला वोल्केनो है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले पाइप और मिट्टी की मदद से वोल्केनो तैयार किया जाता है और उसके बाद फिर उसमें ढेर सारा बारूद को डाला जाता है। और जब उसमें आग लगाया जाता है तो आप देख सकते हैं भाइयों कैसे वोल्केनो किस प्रकार से एक करके एक्सप्लोजन कर रही है। और आज की आखिरी एक्सपेरिमेंट है मेकिंग स्पून इन फैक्ट्री। तो यारो क्या कभी आपने ये सोचा कि आखिर इस तरह के चम्मच फैक्ट्री में कैसे बनाए जाते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले फैक्ट्री में स्टील की चादर के छोटे छोटे भागों में काटा जाता है और फिर उसके बाद इसमें इस मशीन की मदद से चम्मच की साइज से निकाला जाता है और फिर इसको बीचों बीच से कट लगाया जाता है, तब इसको स्मूथ किया जाता है। और ऐसा करने के बाद फिर इस प्रकार से इसे फिनिश किया जाता है और तब इसमें कंपनी का लोगो डाल के मार्केट में बेचा जाता है। वैसे आप इंडिया के किस स्टेट से हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।